नमस्कार दोस्तों, सदगुरु प्यारे चैनल में आप सभी का स्वागत है जी। सत्संग जी, देखिए किस प्रकार से वह कुल मालिक हमें सेवा का फल प्रदान करता है। बड़े महाराज जी हमेशा किया करते थे कि सेवा का जिस दिन हमें पता चल जाएगा कि क्या फल मिलता है, तो हर एक व्यक्ति एक पैर पे खड़ा होकर सेवा करने लग जाएगा। तो यह साखी हम बड़े महाराज जी के समय की है जो आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इससे हमें पता चलेगा कि सेवा होती क्या है। तो चलिए हम चलते हैं अपनी साखी की ओर। सत्संग जी, कुल मालिक हमें सेवा का फल कब देता है? सत्संग जी, सेवा एक ऐसा जरिया है जो हमारे कर्मों का समाप्त करके हमें कुल मालिक से मिला देती है। यह साखी हुजूर महाराज जी के समय की है। उस समय एक बहुत ही धनवान व्यक्ति जो कि सेवादार हुआ करते थे, वे सेवा की तलाश में डेरा आए। हुजूर महाराज जी के पास गए तो बड़े महाराज जी ने उन्हें कुएं में से पानी निकालकर प्याऊ की सेवा में दे दी और उन्हें कहा कि यहाँ पे आप प्याऊ लगाकर जल की सेवा कीजिए। सत्संग जी, वह सेवादार बहुत ही धनी था और सिर्फ सफ़ेद कपड़े ही पहनता था, लेकिन जब वह कुएं में से पानी निकालकर मिट्टी में चलता तो उसकी सफ़ेद जो कपड़े थी वह कीचड़ में व मिट्टी के दाग में लुत जाते थे। उससे जो कीचड़ लगा रहता था तो उसे उसका विचार आता था कि इस सेवा से तो मेरे सफ़ेद कपड़े गंदे हो जाते हैं। तो उसने एक नौकर को इस सेवा के लिए दिहाड़ी पर रख लिया। सेवा चलती रही और मजदूर उस धनी सेवादार के हिस्से की सेवा बड़ी खुशी से करता रहा। कुछ समय बाद उस अमीर सेवादार की तबीयत अचानक से खराब हो जाती है और उसने बिस्तर पकड़ लिया। हालत इतनी नाजुक हो गई कि बिस्तर पर लेटे हुए उसे उल्टी लग जाती है। कभी सोच कपड़ों में ही निकल जाता था, उसके साथ कपड़े बुरी तरह खराब हो जाते थे। सत्संग जी, बड़े महाराज जी उसका हाल पूछने के लिए आए तो उस सेवादार ने रोते हुए कहा, हजूर दया करो। महाराज जी ने फरमाया, दया तो हुई थी बेटा, लेकिन तुमने अपने हिस्से की दया एक मजदूर को दे दी। हुजूर महाराज जी ने बड़े प्रेम से पूछा कि प्याऊ की सेवा करते हुए कपड़ों पर थोड़ी सी मिट्टी लगना ठीक था कि जो अब हो रहा है वह ठीक है? सत्संग जी, फिर उसे समझ आया कि अगर तुम कुएं से पानी लाने की सेवा में अपने सफ़ेद कपड़े थोड़े से मेले कर लेते तो तुम आज यहाँ अस्पताल में नहीं होते। हम बिल्कुल भी नहीं जानते कि सदगुरु हमारे कर्म कैसे काट रहे हैं, बस हमें तो उनके हुक्म की पालना करनी है। सत्संग जी, यह तन भी उसका है, इसे ढकने के लिए कपड़े भी उसी ने तो दिए हैं। अगर सेवा करते हुए सेवादार के कपड़े में अगर कुछ गंदगी लग भी जाए तो इसे सदगुरु की मूझ समझना चाहिए। जिसको जैसी सेवा मिली है उसे प्रेम प्यार से सेवा करनी चाहिए, क्योंकि सेवा का महत्व बड़े ही किस्मत वालों को मिलता है। जिसने सेवा की है उसे ही पता है कि सेवा है क्या। सत्संग जी, इसलिए हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि सेवा जब भी करें तो हमें बिना कुछ देखे हुए, यानी कि मन में बिल्कुल किसी प्रकार का संकोच नहीं होना चाहिए, वो बड़े ही प्रेम प्यार से सेवा करना चाहिए, क्योंकि बड़े ऊंचे भाग्य होते हैं जिनको सेवा का मौका मिलता है। किस्मत वालों को ही वह गुरु घर की सेवा देता है। इसलिए अगर हमें सेवा का मौका मिला है तो बड़े ही प्रेम से सेवा करने जाना है जी। कभी भी सेवा के लिए मना नहीं करना, क्योंकि जिस दिन हमें सेवा का फल पता चल जाएगा उस दिन हम एक पल के लिए भी सेवा नहीं छोड़ेंगे। सत्संग जी, इस साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक आप जी अपना और अपनों का ध्यान रखें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको ऐसे वीडियो मिल सके जी। अंत में आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। Thanks for watching this video. Take care. Radha Swami.